बॉडी फीचर्स इज द सेम बट जो गुण मर्यादा पवित्रता इन्होंने धारण किया है आज वो हमारे अंदर नहीं है। अगर हम भी अपने जीवन में वो मर्यादाओं की गुणों की पवित्रता की धारणा करते हैं तो इस दुनिया में इनके साथ हम भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सत्युग्र का संपूर्ण प्रसन्नता का युग था, कोई प्रकार की दुख शांति यहाँ पे नहीं थी। परियों की तरह हम रहते थे, संबंध में कोई बंधन नहीं था। यहाँ पे हम जो देवी देवता थे ना कंप्लीट देवी देवी थे, सात्विक थे और पशु पक्षी प्राणी सभी सुख देने वाले थे। आज की तरह दुख देने नहीं थे, जहाँ उसको भी मन हुआ करता था जो एटॉमिक एनर्जी से चलता था, आज की तरह डीजल पेट्रोल ये सब की फ्यूल की कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी। संकल्प किया बटन दबाया और कहाँ जाना हो जहाँ पहुँच गए। क्या वो दुनिया की बात कीजिए, हम सभी थे उस दुनिया में। याद आ रहा है सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए थे हम लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पैराडाइज इन द अर्थ, रियलिटी में था ऐसे दुनिया, हम ही थे। याद करना, याद कर देगा तो चलो। और सत्युग में जो हमारे महल होते थे ना वो मीठी नदियों के किनारे पर होते थे, पहाड़ियों पर नहीं, जहाँ पहाड़ियाँ भी सोने के होते थे। कहा जाता है कि जहाँ विद्युत की नदियाँ बहती थी, कैसे सच में विद्युत की नदी बहती होगी, कैसे लगेगा सोचो। पानी की तो नदी सुना है लेकिन विद्युत की नदी माना, नदी माना भरपूर था। देखो दूध अगर फटेगा तो दही भी बन सकता है, लेकिन नदी बहना माना कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ भरपूर था। सोने हीरे मोती माणिक जो भी चाहिए सब कुछ भरपूर। यहाँ पे देखेंगे ये है विश्व महाराज श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। जैसे कि आज एक परिवार को माता पिता पालना देते हैं, देश को राजा पालना देते हैं, लेकिन जितने भी पालना दो कहीं ना कहीं भेदभाव है, ऊंचा नीचा तेरा मेरा ये धर्म का वो धर्म का। लेकिन यहाँ क्या होगी सत्युग में, एक धर्म एक राज्य एक मन एक भाषा, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो सबके लिए समान व्यवहार होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ तक सत्युग था, अब सत्युग के बाद